हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसमें फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, समय हो रहा है अभी मेरी घड़ी में 12 और रात के 12 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बज रहा होगा सुबह का 9। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होगे चैनल पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस काफ़ी बढ़ गई है। बाकी जो वीडियोस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, उनसे भी रिलेटेड मैं वीडियो आपको डेली दे रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब्स का भी वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो आपको रोज़ मिले। तो काफ़ी मेहनत है। सुबह 12 बजे से लगना काम करना शुरू कर देता हूँ। 12 घंटे हो गए हैं, अभी भी कर रहा हूँ। उसके बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, यूट्यूब पर डालूँगा, सारा काम करके फिर सोएंगे और तब सुबह उठ के फिर जुट जाएंगे। तो मेहनत बहुत है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार, इतनी मेहनत कर रहा है बंदा, कब करोगे। तो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, बाकी लोगों तक हम पहुँच सकें, क्योंकि आप देख रहे होगे लगातार वीडियो पर व्यूज़ गिर रहे हैं। ठीक है, मुझे इस बात को कहने में कतई वो नहीं है कि आप वीडियो पर व्यूज़ बहुत गिर रहे हैं, आप बिल्कुल भी वीडियो देख नहीं रहे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को देखिए और हम इसमें फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अन अकेडमी पर मेरा प्लस कोर्स है आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन का। 23 जुलाई से रात 8 बजे शुरू होगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का बैच है हमारा, जो कि 15 जुलाई से शुरू होगा दोपहर के 3 बजे। ये सारे बैचेस वगैरह ले रहा हूँ डेली। 2 फ्री क्लासेस भी हो रही हैं, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। रीजनिंग की क्लास 1 बजे और इंग्लिश की क्लास 5 बजे। रीजनिंग वाली क्लास बाइलिंगुअल है, पीडीएफ आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगी और सारे प्रीवियस ईयर पेपर इसमें डिस्कस हो रहे हैं। और इंग्लिश की जो क्लास है इसमें इंग्लिश में हम डिस्कस करते हैं और हमारा इंग्लिश का पेपर होता है शाम के 5 बजे। तो ये दोनों क्लासेस फ्री हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नहीं कर रखा है तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लो। इसके अलावा भी अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, इनमें आप एनरोल कर सकते हो। और इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लो। अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है, अगर 1 साल का लोगे तो 1.5 साल का मिलेगा, 2 साल का लोगे तो 3 साल का मिलेगा। तो 1.5 साल वाला आपको मिल जाएगा 5850 में और 3 साल वाला मिल जाएगा 7020 में। उसके लिए आपको AMANT रेफरल कोड यूज़ करना होगा। और SSC बैंक दोनों का लोगे तो आपको सिर्फ 8000 में 1.5 साल का और 10000 रुपए में 3 साल का मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, इसको अवेल कर सकते हो। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर डिस्काउंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करिए, आपको जवाब दिया जाएगा। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। और सारी PDF, क्लास के नोटिफिकेशन, वीडियोस के लिंक, सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, वहाँ पे बेहतरीन रील हैं, एक से एक बढ़िया गाने से मैं आपको रील बना के वर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको ज़रूर से देखो और इंस्टाग्राम पे रील्स फॉलो करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला अगला जो वीडियो है, अगला वर्ड है, वो है हमारा लिव ऑन। लिव ऑन जो है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिपेंड फॉर फूड, यानी कि खाने के लिए अगर आप किसी पर निर्भर हैं तो उसे कहा जाता है लिव ऑन। ठीक है, तो किसी चीज पर निर्वाह करना, किसी पर निर्भर होना खाने पीने के लिए कहा जाता है उसे लिव ऑन। अगला है हमारा द लायन इज कार्निवोरस एंड लिव्स ऑन फ्लैश। मीनिंग हो गया कि लायन जो है, शेर जो है, वो कार्निवोरस होता है और फ्लैश पर निर्भर रहता है, यानी मांस पे निर्भर रहता है। ठीक है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, द लायन इज कार्निवोरस एंड लिव्स ऑन फ्लैश। तो लिव्स ऑन मतलब वो खाने के लिए इस पर निर्भर रहता है। अगली जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है हमारी लिव बाय। लिव बाय का क्या अर्थ होता है? लिव बाय का अर्थ होता है मीन्स या फिर मैनर, यानी कि साधन। ठीक है, तो लिव बाय के मैं 2 फ्रेजल वर्ब आपको अलग अलग बता रहा हूं। पहला है लिव बाय समथिंग। लिव बाय समथिंग का मतलब होता है टू फॉलो अ पर्टिकुलर बिलीफ और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ सिद्धांतों पर चलना, अपने सिद्धांतों पर चलने के लिए आता है लिव बाय। जैसे कि गांधी जी लिव्ड बाय नॉन वायलेंस। गांधी जी जो हैं वो नॉन वायलेंस पर रहे, यानी कि वो हमेशा उस अपने स्टैंड पर काबिज रहे अहिंसा के। तो टू फॉलो अ पर्टिकुलर बिलीफ, किसी एक बिलीफ को फॉलो करना क्या कहलाता है? लिव बाय। लिव बाय समथिंग मतलब किसी पर
किसी एक को फॉलो करना, पर्टिकुलर बिलीफ को, मतलब हो गया गांधी जी बिलीव बाय नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को सपोर्ट किया। और हो जाता है लिव बाय समवन, लिव बाय डूइंग समथिंग, एक तो हो गया सिद्धांत, और अगर कुछ करते हुए लिव बाय है तो उसका मतलब हो गया कि आप पैसा उससे कमाते हो। जैसे आई लिव बाय टीचिंग, मैं पढ़ा के अपना जीविका उपार्जन करता हूँ। तो टू अर्न मनी और टू गेट द थिंग्स यू नीड बाय डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि पैसा कमाना कोई कार्य करके, तो उसके लिए आता है लिव बाय डूइंग समथिंग। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे कि यू मस्ट लर्न टू लिव बाय ऑनेस्ट मीन्स, तो ये हमारा उस पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से हो गया। दे लिव बाय फिशिंग, यानी कि वो फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं। आई लिव बाय टीचिंग, यानी मैं टीचिंग करके अपना गुजारा करता हूँ। ठीक है, सो गांधी जी लिव्ड बाय नॉन वायलेंस, आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा दे लिव्ड बाय सेलिंग ड्रग्स एंड इलीगल आर्म्स, तो इसे भी याद रख सकते हैं आपको। लिव बाय मतलब वो अपना जीविकोपार्जन, ये मुन्ना भैया और त्रिपाठी जी करते थे, ड्रग्स बेच के और इलीगल आर्म्स बेच के। ठीक है, तो लिव बाय आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है हमारा। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा लिव ऑफ। तो लिव ऑफ का क्या अर्थ होता है? लिव ऑफ का अर्थ होता है आपका सोर्स ऑफ इनकम, आय का साधन होना। ठीक है, तो आय का स्रोत होना। दे वर लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, वो रेंटल इनकम पे रह रहे थे, रेंटल इनकम पर निर्भर रह रहे थे। तो लिव ऑफ का अर्थ हो गया सोर्स ऑफ इनकम होना, आय का स्रोत होना। तो फॉर एग्जाम्पल दे ही वॉज लिविंग ऑफ हिज फादर्स इनकम, तो बेसिकली मुन्ना भैया पिताजी की संपत्ति पर ही निर्भर थे। तो ही वॉज लिविंग ऑफ हिज फादर्स इनकम, तो लिव ऑफ मतलब हो जाता है पैसे के लिए किसी पर निर्भर होना, एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम होना। तो दे वर लिविंग ऑफ ड्रग्स एंड एम्यूनिशन भी कर सकते हैं, वो भी हमारा हो जाएगा। लिव ऑफ मतलब सोर्स ऑफ इनकम होना। अगला है हमारा लुक अबाउट, तो लुक अबाउट का अर्थ हो जाता है हमारा इन सर्च ऑफ या फिर ऑन द वॉच, किसी चीज को खोजना, किसी चीज को खोजने के लिए आता है लुक अबाउट। आज की क्लास में तीन ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिनका मीनिंग लुक, जिनका मीनिंग सर्च में है, तो तीनों को याद रखना है। लुक अबाउट मतलब होता है खोज में होना, इन सर्च ऑफ। सो द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट वॉटर हेयर एंड देयर, यानी कि वो थर्स्टी क्रो जो है वो पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट वॉटर हेयर एंड देयर, वो पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। ठीक, तो लुक अबाउट मतलब होता है किसी की खोज में होना, एंड मुन्ना भैया वॉज लुकिंग अबाउट गुड्डू भैया, मुन्ना भैया गुड्डू भैया को खोज रहे थे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा होता है आपका लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना, किसी की केयर करने के लिए आता है लुक आफ्टर। तो ध्यान देना या फिर देखभाल करने के लिए आता है लुक आफ्टर। ठीक है, इन हर ओल्ड एज शी हैज नो वन टू लुक आफ्टर हर, यानी कि उसकी बुढ़ापे की उम्र में कोई भी नहीं था उसके पास जो कि उसका ख्याल रख पाता। तो लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है आपका आप किसी का ख्याल रखना, किसी की केयर करना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इससे याद रख सकते हैं कि नो वन वॉज रेडी टू लुक आफ्टर देम, बागबान फिल्म में आपको अच्छे से याद होगा कि कोई तैयार नहीं था उनकी बुढ़ापे में उनका ख्याल रखने के लिए। तो लुक आफ्टर मतलब हो जाता है किसी की केयर करना, टेक केयर करना। ठीक है, आई एम लुकिंग आफ्टर हिम मतलब मैं उसका ख्याल रख रहा हूं। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा है लुक एट, लुक एट मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, किसी को ध्यानपूर्वक देखना, अच्छी तरह से देखने के लिए आता है लुक एट। तो द किड्स आर लुकिंग एट द स्काई, बच्चे आसमान की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आप इसे भी ऐसे याद रख सकते हैं, विवाह का ये मीम हाल में काफी वायरल था, पूनम जी लुक्ड एट प्रेम वाइल सेइंग जल लीजिए, तो जल देते वक्त वो पूनम जी जो है प्रेम की ओर देख रही थी। तो लुक एट मतलब क्या हो गया, किसी की तरफ देखना और उसे ध्यान से देखने के लिए आता है लुक एट। ठीक है, अगला फ्रेजल वर्ब है लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन का मतलब हो जाता है टू थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना, रेट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, अपने पुराने कुकर्मों के बारे में सोचना। तो लुक बैक ऑन मतलब टू थिंक ऑफ द पास्ट, यानी झांकना, अतीत के बारे में सोचना, अतीत में झांकना। ठीक है, सो पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज,
यानी कि लोग अक्सर पुरानी आदतों पुराने अपने कर्मों को देख सकते हैं, पुराने अतीत में झांक सकते हैं और पुरानी हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करके खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो लुक बैक ऑन का मतलब हो जाता है टू थिंक ऑफ द पास्ट। ठीक, सो फॉर एग्जांपल आप इसको इस एस्पिरेंट्स के इस सीन से याद रख सकते हैं कि व्हेन यू लुक बैक ऑन योर डिसीजंस यू विल रियलाइज इट वाज नॉट वर्थ इट एट ऑल। ठीक है, यानी कि संदीप भैया कह रहे हैं अभिलाष से कि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे अपने डिसीजंस पे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इट वॉज नॉट वर्थ इट ऑल, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। ठीक है, तो लुक बैक ऑन मतलब पीछे मुड़कर देखना। ठीक, पीछे मुड़कर देखना मतलब अतीत में देखना, पीछे मुड़ के ये वाला पीछे मुड़ के देखना नहीं। ठीक है, अगला है हमारा लुक फॉर। अब लुक अबाउट बताया था, बस लुक फॉर हो गया। लुक फॉर का मतलब सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, किसी खोई हुई चीज को ढूंढना। ठीक है, वो गाना है ना थ्री इडियट्स का, न जाने कहाँ खो गया उड़ती पतंग सा था वो, तो लुक फॉर, दे वर लुकिंग फॉर रैंचो इन द होल मूवी। ठीक है, वो सर्च कर रहे थे रैंचो को, खोज करना। तो शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट पेट, यानी कि वो उसका जो पेट खो गया था, उसका जो पालतू जानवर खो गया था उसको वो ढूंढ रही थी। तो लुक फॉर मतलब होता है खोजना, खोज करना मतलब सर्च में होना, कुछ आपका खो गया है। वो थ्री इडियट्स का गाना बिल्कुल फिट बैठता है इस पे कि उड़ती पतंग सा था वो और पता नहीं बहती पवन सा था जो भी, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर रैंचो, राइट, याद रखेंगे। बाकी ये मैंने दोबारा से इसलिए लगाया, लुक अबाउट था और लुक फॉर था, दोनों का मतलब है खोजना। तो मुन्ना भैया बस लुकिंग फॉर गुड्डू भैया ऐसे भी देख सकते हैं। अगला जो फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन अपॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लुक डाउन अपॉन बहुत आया है एग्जाम में, बहुत बार आया है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को नीची निगाह से देखना, हेट करना, डिस्पाइस करना। डिस्पाइट नहीं, इट विल बी डिस्पाइस, पी आई एस ई होगा यहाँ पर। ठीक है, डिस्पाइस मतलब होता है हेट करना, नीची निगाह से देखना। तो इट इज फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि ये तुम्हारी गलती है कि आप पुअर स्टूडेंट्स को नीची निगाह से देखो। तो लुक डाउन अपॉन मतलब हो जाता है हेट करना, डिस्पाइस करना, घृणा करना। ठीक है, सो मुन्ना भैया यूज टू लुक डाउन अपॉन गुड्डू भैया, मुन्ना भैया गुड्डू भैया को नीची निगाह से देखते थे। तो लुक डाउन अपॉन मतलब हो जाता है आपका किसी को नीची निगाह से देखना। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है किसी मैटर को लुक इनटू करना, यानी कि उसे एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो अ कमिटी वॉज सेटअप टू लुक इन टू द प्रॉब्लम, समस्या में जांच पड़ताल करने के लिए कमिटी सेटअप की गई थी। ठीक, तो आई विल लुक इन टू द मैटर, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए, मतलब आई विल लुक इन टू द मैटर, यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मतलब मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ करूंगा। तो लुक इन टू द मैटर मतलब हो जाता है किसी मैटर के बारे में देखना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना। ठीक है, अगला है लुक ऑन। तो लुक एट था मतलब किसी को ध्यान से देखना, और लुक ऑन मतलब होता है टू सी एज अ स्पेक्टेटर, मतलब बहुत ध्यान से नहीं देखना, किसी चीज की तरफ देखना। सो हर हिज पेरेंट्स लुक्ड ऑन विद अ ट्रायम्फेंट स्माइल, यानी कि वो बड़ा ही एक जीत की मुस्कान के साथ उसके पेरेंट्स ने उसे देखा, यानी कि उन्हें प्राउड हो रहा था उसके कुछ काम को। तो देखना किसी के लिए आता है लुक ऑन बेसिकली। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसे। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है लुक ओवर। तो लुक ओवर मतलब हो जाता है एग्जामिन केयरफुली और गो ओवर। ध्यान दीजिएगा, ये इग्नोर जैसा लगता है इसलिए कई लोग इसका आंसर इग्नोर मार्क कर देते हैं। आंसर इग्नोर नहीं होगा, क्या होगा, एग्जामिन केयरफुली, केयरफुली एग्जामिन करना। ठीक है, लुक ओवर निरीक्षण करना, केयरफुली एग्जामिन करना। सो द एग्जामिनर हैज येट टू लुक ओवर प्रैक्टिस नोटबुक्स, यानी कि एग्जामिनर को प्रैक्टिस नोटबुक्स को अभी देखना था, उन्हें एग्जामिन करना था। तो लुक ओवर मतलब हो गया एग्जामिन करना, आपका एग्जामिन कर केयरफुली करना। ठीक है, तो ये भी उसी से याद रख लोगे कि आई विल लुक ओवर, यानी कि मैं केयरफुली एग्जामिन करूंगा। ठीक है, तो लुक इनटू भी होता है इन्वेस्टिगेट करना, लुक ओवर होता है केयरफुली एग्जामिन करना। अगला है हमारा लुक आउट। जैसे आपने देखा ना, पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है मतलब सर्च में है पुलिस उसके। तो लुकआउट मतलब भी हो जाता है आपका वॉच आउट, केयरफुल रहना या बिवेयर रहना। ठीक है, यानी कि सतर्क रहने के लिए आता है लुकआउट, ताक में रहना किसी के। तो लुकआउट, देयर इज अ स्नेक अंडर द
बुश, यानी कि झाड़ी में स्नेक है, सावधान रहो। तो लुक आउट मतलब हो जाता है वॉच आउट, ठीक है, सावधान रहो, किसी को केयरफुल करने के लिए करते हैं। तो जैसे इस सीन में पंकज त्रिपाठी कहता है वॉच आउट मकबूल, जिंदा पकड़ना है उसे, ठीक है, वो तो कुछ और कहते हैं, खैर हम ये याद रखेंगे, वॉच आउट मकबूल यानी कि सतर्क रहो, उसे जिंदा पकड़ना है, ठीक है। तो किसी को सतर्क करने के लिए, किसी को आगाह करने के लिए और केयरफुल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वॉच आउट मकबूल, जिंदा पकड़ना उसे, ठीक है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है लुक आउट फॉर। तो लुक फॉर हो चुका है, लुक अबाउट हो चुका है, अब लुक आउट फॉर। तो लुक आउट फॉर मतलब हो जाता है इन सर्च ऑफ, पुलिस इज लुकिंग आउट फॉर हिम, यानी कि पुलिस उसे खोज रही है, सावधान रहने के लिए आता है। ही इज लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब, यानी कि वो एक डिसेंट जॉब को सर्च कर रहा है, खोज रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा मुन्ना भैया वॉज लुकिंग आउट फॉर। मैंने तीनों में इसलिए सेम दिया जिससे आप तीनों एक साथ याद रख सकें, लुक अबाउट, लुक फॉर एंड लुक आउट फॉर, तीनों का मतलब है खोजना। अगला है हमारा लुक टू। लुक टू का मतलब आता है रिलाय अपॉन और बी केयरफुल, किसी पर निर्भर होने के लिए आता है लुक टू। फॉर एग्जाम्पल द पुअर लुक टू फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि पुअर जो है सरकार की तरफ फाइनेंशियल हेल्प के लिए देखते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं फाइनेंशियल एड के लिए, फाइनेंशियल मदद के लिए। तो लुक टू मतलब होता है रिलाय अपॉन या बी केयरफुल, किसी पर निर्भर होना, ठीक है, यानी कि पुअर जो है वो सरकार पे निर्भर होते हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लुक टू मतलब हो जाता है किसी पर निर्भर होना एक तरीके से। अगला है हमारा लुकअप। लुकअप का मतलब होता है कंसल्ट सम बुक फॉर अ वर्ड या फिर राइज, यानी कि लुकअप एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है किसी भी शब्द को डिक्शनरी में ढूंढने के लिए। अगर आपको कभी भी कहना हो कि इस शब्द को जरा डिक्शनरी में ढूंढो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो लुकअप द वर्ड, लुकअप दिस वर्ड, ठीक है, लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो लुकअप ही इस्तेमाल होता है, अगर आप मैकबुक वगैरह यूज करते हो तो किसी भी वर्ड पे आप हाईलाइट करोगे तो उसमें लुकअप ही लिख कर आता है। तो लुकअप मतलब होता है उसको खोजना, तो डिक्शनरी में किसी वर्ड को खोजने के लिए लुकअप ही आता है, प्लीज लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है। चलो अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब हो जाता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ठीक है, देखभाल करना, सम्मान करने के लिए आता है। His younger brother looks up to him and obeys his every order. यानी कि उसका जो younger brother है वो उसकी तरफ सम्मान की नजर से देखता है और उसके हर order को मानता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कहते हैं ना, आज हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई, तो I am looking up to you, am मैंने लिखना भूल गया, I am looking up to you हो जाएगा, मैं तुम्हें सम्मान की नजर से देखता हूँ, ठीक है। अगला हमारा phrasal verb हो जाएगा look upon। तो look down upon था नीचे निगाह से देखना, और लुक अपॉन हो जाता है कंसीडर करना, रिगार्ड करना, ठीक है, विचार करना। तो वी मस्ट लुक अपॉन सोशल इविल एज नूसेंस, हमें सामाजिक बुराइयों को एज अ नूसेंस देखना चाहिए, सामाजिक कुरीतियों को एज अ नूसेंस देखना चाहिए समाज में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे, लुक अपॉन मतलब कंसीडर करना, हमें सामाजिक बुराइयों को नूसेंस कंसीडर करना चाहिए। नूसेंस मतलब होता है एक तरीके से समाज में नुसेंस मत क्रिएट करो, मतलब बकवास एक तरीके से खराब चीज के लिए आता है नुसेंस। अगला है मेक ऑफ विद या मेक अवे विद, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार आया है। मेक ऑफ विद या मेक अवे विद का मतलब होता है रन अवे या डिस्ट्रॉय कर देना, भाग जाना या बर्बाद कर देना, चुरा कर भाग जाना। सो दे मेड ऑफ विद द कैश एंड फ्लेड, यानी कि वो कैश को चुरा के भाग गए। तो मेक ऑफ विद मतलब होता है चुरा कर भाग जाना, रन अवे डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका इसको याद रख सकते हैं, रन अवे विद, मेक ऑफ विद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर फ्रेजल वर्ब इज मेक आउट। तो मेक आउट का एक अर्थ दूसरा होता है कि पीपल वर यूज टू मेक, जनरली पीपल मेक आउट इन पार्क्स एंड मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स, तो वो मेक आउट अलग है, जिनको समझ में आ गया होगा कमेंट में बता देना। दूसरा मेक आउट का अर्थ होता है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी के अर्थ को समझना, यानी कि आई हैव मेड आउट योर स्टेटमेंट, मतलब मैं तुम्हारे स्टेटमेंट को समझ गया हूँ। द पुलिस कुड नॉट मेक आउट द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड, जो कोडेड मैसेज उन्होंने इंटरसेप्ट किया था उसको वो समझ नहीं पाए। तो मेक आउट का एक अर्थ निष्कर्ष निकालना या समझना भी होता है, और दूसरा वाला होता है वो कमेंट में बताना तुम लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर पसंद आया हो तो भाई प्लीज लाइक करो, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, 12:30 बज गया बनाते, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना,
और अगर किसी को सब्सक्रिप्शन चाहिए हो और डिस्काउंट्स के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।